जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, कनक रंग एंड रंग माधव ग्रुप। मंगल, नाम ही मंगल है यानी कि शुभ है, एक काहे को मंगल करेंगे। आपके ललाट का तेज, आपका अद्भुत शौर्य, आपका पराक्रम, आपके स्वभाव पर, आपके शरीर पर जो चमक होती है, इनके स्वाभाविक गुण हैं। जब मंगल बेहतर होता है तो आप कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, अनवरत चलते रहते हैं अपने विजय पथ पे। अगर हस्तरेखा के द्वारा आप मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मंगल के दो क्षेत्र होते हैं। सामान्य तौर पे हस्तरेखा में हरेक पर्वत क्षेत्र के लिए एक एक जगह आवंटित है, लेकिन मंगल के लिए दो जगह है। एक प्रथम आपके गुरु और शुक्र के मध्य का क्षेत्र, इसके अलावा ठीक हाथ की इस दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉर्नर वाला क्षेत्र है यानी कि चंद्र और बुध के मध्य का क्षेत्र है, ये मंगल का दूसरा क्षेत्र होता है। मंगल अगर आपके लिए बेहतर होता है तो आप अपने जीवन में सतत विकास के पथ पे बढ़ते होते हैं। ना आपके जीवन में कभी जोश की कमी होती है, न ताकत की, न पराक्रम की, न शौर्य की, ना ही आर्थिक तौर पर, और ना ही कोई ऐसी चुनौती है जो कि आपको कमज़ोर बना सके, आपको रोक सके। ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी बेहतर मात्रा में पाया जाता है और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने की क्षमता होती है। चुनौतियां चाहे कैसी भी क्यों न हो, ये उस पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन हस्तरेखा के द्वारा आप कैसे जानेंगे कि मंगल की स्थिति हमारे लिए कैसी है, इसी के लिए खास हथेली के द्वारा इसे आपको आपके समक्ष हम लाए हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। देखो, सर्वप्रथम बात की जानी चाहिए प्रथम मंगल की, और ज़्यादातर 90% इन्हीं की। द्वितीय मंगल की 10% भी करेंगे तो चीज़ें समाहित हो जाएंगी। सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र होता है ना, शुक्र से नीचे आएंगे तो ये क्षेत्र ढलवा होता चला जाएगा, यानी कि नीचे गहराई में चलता चला जाएगा। गहरा होना बुरा नहीं है जी, बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 60% लोगों का एक गहराई होता है, लेकिन गहरे में भी बल कितना है, बेस कैसा है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यहाँ से बाहर की तरफ जाती हुई रेखाएं कितनी हैं और अस्थाई टेम्पररी लाइंस कितनी हैं, कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, उसके आधार पे इसके आकलन तक आप जा सकते हैं। यहाँ पर अच्छे सिंबल क्या है उसके आधार पे इनका क्या भविष्य है, आपका क्या भविष्य है, वो आप जान सकते हैं। यहाँ पर क्या क्रॉस की लाइन्स हैं, क्या यहाँ पर यव रेखाएँ हैं, क्या यहाँ पर अन्य कुछ ऐसी रेखाएँ जो कि आपको मुश्किल में डाल सकती है वैसी हैं, अर्ध रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसी बेढंगी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है जो कि एक खास सिंबल में परिवर्तित न होके खरपतवार के रूप में यहाँ पर मौजूद है जो कि हमारे लिए इनेमी सिंबल का काम कर रही है, क्या पर्वत क्षेत्र को बीचों बीच काटने का कोई रेखा काम कर रही है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी बुरे सिंबल्स होंगे तो आपके लिए परेशानियों को बढ़ाएंगे, ये मंगल की कमजोरी को दर्शाने का काम करते हैं। इनेमी सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ये मंगल आपकी बॉडी हो गई, ठीक है, और इनेमी सिंबल हो गया ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, जितने भी बुरी बुरी बीमारियां हैं, बुरी बुरी आदतें हैं, बुरे बुरे आपके जो कारनामे होते हैं, बुरी संगत होती है, बुरी सोच होती है, ये सब हैं बुरे सिंबल, ये आपको कभी अच्छा नहीं होने देंगे। वहीं पर अगर ये मंगल आपका शरीर है और यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति है, यानी कि व्यक्ति बड़ा प्रबुद्ध है, पढ़ा लिखा है, व्यक्ति ज्ञानी है, यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसे सिंबल है जैसे सूर्य का चिन्ह यहाँ पर उपस्थित हो गया, यानी कि व्यक्ति सुसंस्कारी है, चीज़ों को समझता है, सही तरीके से चीज़ों को देखता है, एक अच्छे पद का अधिकारी है, अच्छे काम करता है, लोगों के लिए बेहतर करता है। यहाँ पर त्रिशूल के जैसी स्थिति आ गई, व्यक्ति अपने काम से मतलब रखता है, व्यक्ति पराक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक तौर पर भी उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी निपुण है, जो भी करता है बड़े तरीके से करता है, व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी को छूता तक नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके श्रृंगार हो गए, ये आपके आभूषण हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अगर कुछ बुरे सिंबल आएंगे तो इसके प्रभाव को कमजोर करेंगे। वहीं पर अगर यहाँ पर त्रिशूल की, ट्राइडेंट की, ट्रायंगल की स्थिति बन रही है, स्क्वायर की स्थिति बन रही है, तो ये आपके लिए शुभ है। तो अलंकार यहाँ पर शुभ है। अब देखना होगा कि बेस कैसा है, जो कि प्रथम हमने बात करी है। बेस देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इनर लाइन्स को, यानी इनर लाइन कौन सा होता है। जैसे देखो मेन रेखाएं हैं, थंब इंप्रेशन में जो उभर के आता है ना स्याही पे, वही होती है इनर लाइन्स। इनर लाइन्स का यहाँ पर कैसा घुमाव है,
वो अगर अंदर ही अंदर घूम रही है तो अच्छी है, गुरु के क्षेत्र की तरफ जा रही है तो अच्छी है, अगर यहाँ से लंबा हो के आगे की तरफ बढ़ रही है और खास के सन की तरफ और बुद्ध की तरफ अगर जा रही है तो समझो कि वहाँ पे कहीं ना कहीं इशूज हैं, वो आपको इधर उधर ही घुमा के रखने वाले हैं, तो उस पर गौर करना चाहिए। अब इस हाथ के अकॉर्डिंग अगर हम बताते हैं तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ खास है, खास क्या है तो शुक्र की जो स्थिति है बिल्कुल इसी उभार में यहाँ पर मंगल का एक क्षेत्र भी है, ठीक है, इसके बराबर में उभार है, यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ नहीं है, इस स्वाभाविक तौर पे एक बेहतर स्थिति में है एक उभार के साथ, ये अस्वस्थ उभार भी नहीं है। देखो अति सर्वत्र वर्जते, यानी बहुत निम्न है वो भी आपके लिए बुरा होता है, बहुत उच्च है वो भी आपके लिए बुरा होता है, क्योंकि दोनों परिस्थिति में एक जगह बहुत स्लो हो जाएगा एक जगह बहुत फास्ट हो जाएगा, जबकि जिंदगी जीने के लिए आपको एक मीठी स्पीड चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मीठी स्पीड है बिल्कुल, ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर सही मात्रा में पराक्रम, सही मात्रा में शौर्य, सही मात्रा में तेज, सही मात्रा में कब कैसा रिस्क उठाना है, कब किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका समन्वय होता है, समावेश होता है, जो कि सही तरीके से कार्य करता है और व्यक्ति को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर पैदा करता है। जब भी ऐसा उभार हो, यानी कि एक सामान्य से बहुत ज़्यादा गड्ढा ना हो, एक बेहतर उभार हो और यहाँ पर कुछ अच्छे सिंबल्स हो, ऐसे लोग किसी भी चुनौती से निपट लेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, निराशा कभी इनके ऊपर हावी नहीं होगी, ताकत यानी कि एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होती ही रहेगी, जीवन का जो बेस होता है ना, लाइफ का बेस आधार, वो हमेशा मजबूत बना रहता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। कारोबारी क्षेत्र में सफलता इनके लिए बेहतर होती है, आकर्षण तो इनके अंदर बना ही रहता है, किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारियां जो होती है ना वो इन्हें नहीं छू सकती है, वो इन्हें नहीं पकड़ती है। जीवन में जो भी सुख भोग है सबको प्राप्त करने की स्थिति में ऐसे लोग आ जाते हैं, लेकिन इन सबके साथ देखो दो खास योग, पंच महापुरुष योग की बात कर लो या महालक्ष्मी योग की बात कर लो, ये सब इनके साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं। जैसे ही आपका मंगल बेहतर होगा, शारीरिक तौर पे वो दिखाई देगा, आपके ललाट को आपके चेहरे को देख के वो दिखाई देगा, आपके सुख भाव वैभव और भौतिक सुविधाओं को देखकर वो स्पष्ट तौर पे परिलक्षित होगा। ये व्यक्ति कभी नीचे हो ही नहीं सकता है, जैसे कि आप प्लास्टिक डाल दो, ठीक है, तो पानी के अंदर डूबेगा ही नहीं, वैसे ही मंगल जब बेहतर होगा ना वे व्यक्ति नीचे जाएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। लेकिन इन्हें बचना किस चीज से चाहिए, ये आवश्यक है, आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है, आलस्य, इससे आपको बचना चाहिए। आमतौर पे बहुत ही कम परसेंटेज बेहतरीन मंगल वालों में ये देखा जाता है, क्योंकि आलस्य तो पूछो वो नॉर्मल भी नींद नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर इसने घेर लिया, क्योंकि आप सिर्फ एक प्लेनेट के कारण यहाँ नहीं हो, सिर्फ आप रोटी खा के जिंदा नहीं हो या सिर्फ चावल खा के नहीं हो, बाकी चीज़ें भी चाहिए, जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी को, सिर्फ विटामिन ए करके नहीं रह सकते हो, उसी प्रकार से सिर्फ एक बेहतर होने से नहीं होता है, सारे प्लैनेट्स की स्थिति कमोबेश बेहतर होनी चाहिए, तब मिला जुला के एक जिंदगी आगे चलती है। मान लो आपके बॉडी में इतने ऑर्गेन है ना, ठीक है, एक हार्ट ठीक से काम कर रहा है, बाकी किडनी फेल हो जाए, बाकी कुछ और हो जाए, तो जिंदा थोड़ी ना रहोगे। एक हेल्दी लाइफ के लिए सब बेहतर होना चाहिए। हम कभी कभी बात करते हैं ना कि ऐसा हो तो इसके ये लाभ होता है, बहुत होता है, बहुत ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक मतलब ज्ञान से कभी कोई संबंध नहीं रहा, वो लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसा है तो हमारे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। भैया आप हमेशा पैर से ही पैदल नहीं होते हो, कई दफे आप दिमाग से भी पैदल होते हो, तो उन चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को इसी तरीके से समझे कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों को क्रोध से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, क्योंकि कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि आपके पास इनकम ऐसी होती है, आपका कारोबार ऐसा होता है, आप चीज़ों इस तरीके से संलग्न होते हो कि आपके पास मतलब समझो ना कि समेटने के लिए आपके हाथ में दर्द हो जाता है, कभी कभी इतने आते हैं, और कई दफे ऐसी चीजें होती हैं कि स्मूथली लाइफ चलती होती है, आपको लगता है सब सेफ है, कोई इशू नहीं है, और फिजूल खर्ची होती चली जाती है, और आपका स्वभाव होता है थोड़ा सा वैसे ही, चाहे पैसे कितने भी आए फिजूल खर्ची होती रहती हो, तो उस पर आपने काम करना होता है। बहुत ज्यादा जोश में होश तो कभी खोना ही नहीं है, कम जोश में भी नहीं खोना है, लेकिन मतलब होश नहीं खोना है, होश हमेशा बना के रखना है, ठीक है। और बस एक बात गांठ बांध लो, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, धर्म से रिलीजन से बिलोंग करते हो आप, ठीक है, एक बार प्रे कर लिया करो, जिनका भी करते हो, अगर हिंदू हो, ठीक है, सनातन धर्मी हो, तो हनुमान जी का नित्य पाठ किया करो, ठीक है,
चलते फिरते पाठ किया करो। इस्लाम को अगर मानते हो, इसके अलावा मान लो कि जैन को मानते हो, बौद्ध को मानते हो, ईसाई को मानते हो और जो भी दुनिया में बाकी हैं, तो आपके जो भी हो ना इष्ट देवता, जिनको भी, जिन्हें देख के आपको एनर्जी मिलती हो, जिन पर भरोसा हो, उनकी प्रे किया करो, पीछे मत हटना और अपना काम किया करो। ये देखना मंगल आपको किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता है और आपको बेहतर करता है। और लाल तिलक निश्चित तौर पर लगावें ललाट के मध्य में, यानी फॉरहेड में, बीच में, ये आपके लिए यहाँ पर बेहतर काम करेगा। दूसरे मंगल की स्थिति से जीवन में जो भौतिक सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से आपको मिलेगी, जैसे कि घर, गाड़ी, बंगला, बाहर घूमना फिरना वगैरह वगैरह, और आत्मिक सुख, इंटरनेट पे सुख, आंखों का सुख, कानों का सुख, ये सब भी आजकल सब सुख में गिनती करने लगे हैं लोग, ठीक है, आंखों आँख सीख रहे हैं कहीं, कान सीख रहे हैं, तो एक्सेट्रा, तो ऐसी चीज़ें। इसके अलावा देखो ये दोनों चीज़ें, हर एक चीज़ का एक नकारात्मक पहलू भी होता है, एक सकारात्मक पहलू भी होता है। नदी जीवन भी देती है और जब आप उंगली करते हो तो ऐसी बात आती है कि जीवन ले भी लेती है। तो उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्या है कि आँखें सेकना प्रभु की मूर्ति में भी सेकी जाती है और दूसरी तरफ यूनो जैसे आप समझ रहे हो वहाँ भी सेकी जाती है। तो आपको किस तरफ सेकनी है ये देखना होता है, ठीक है। तो सही पक्ष, चीजों का सही पक्ष चुनो, अपने आप किस्मत भी सही बंदे को ही ढूंढती होती है, चुन लेगी आपको। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।